हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ शाही पनीर की रेसिपी। शाही पनीर को कैसे घर पर ही रेस्टोरेंट की तरह बनाया जा सकता है। बहुत इजी इंग्रेडिएंट्स है, सिंपल तरीके से हम इसको बनाएंगे। पहले हम शाही पनीर की ग्रेवी तैयार करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो मैंने पैन में पहले बटर यूज़ कर लिया है, बटर ऐड कर लिया है। इसी के साथ मैं इसमें अनियन ऐड करूँगी और ये गार्लिक और अदरक का पेस्ट है जो साथ में मैं ऐड कर दूँगी। इसको हम दो मिनट तक ऐसे ही रोस्ट करेंगे। इसको साथ ही साथ में सॉटे करते जाऊँगी। इसी के साथ मैं थोड़े से जो मसाले हैं उनको ऐड करूँगी। जैसे मैंने इसमें जीरा ऐड कर दिया है, इसको भी हम ऐसे रोस्ट करेंगे। हल्दी पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और इसी के साथ गरम मसाला 1 टीस्पून, नमक भी इसी के साथ ऐड कर देंगे। बस इन मसालों को हमने रोस्ट करना है। आप नमक को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, सभी मसाले अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसी के साथ हम इसको सॉटे कर देंगे और साथ में इसके साथ हम फ्रेश टमाटो ऐड कर देंगे। मैंने 2 टमाटो चॉप किए हुए इसमें ऐड किए हैं। ऐसे इसको 2 मिनट तक हला देंगे रहेंगे। तो बस हम इसको भी ग्राइंड करेंगे। सब देख रहे हो, सारा मसाला मैंने मिक्सर में डाल लिया है। तो अभी इसकी ग्रेवी बनाएंगे। आप सब देख रहे हो कि मैंने इसको अभी इसको चेक कर लो। हमारी ग्रेवी बनके रेडी है। अभी हम इसके लिए तड़का बना लेंगे। ऑलिव ऑयल मैंने पैन में ऐड कर दिया है। इसी के साथ हम इसमें कस्तूरी मेथी के साथ साथ हम इसमें थोड़ा सा कश्मीरी पाउडर ऐड करेंगे, कश्मीरी मिर्च के साथ जो फ्लेवर आता है शाही पनीर में और मटर पनीर में, सब सब्जियों में, वो किसी भी मिर्च के साथ नहीं आता। अभी हम इसमें जो हमने ग्रेवी रेडी की है वो ऐड कर देंगे। सब देख रहे हो कि ग्रेवी का कलर कितना अच्छा है। अभी हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे। अभी तड़का चेक कर लेते हैं। आप सब देख रहे हो कि ग्रेवी कितनी अच्छी बनी हुई है। अब हम इस फ्लेम को मीडियम लो कर देंगे और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी क्रीम। मैंने इसमें 1 बॉल क्रीम यूज़ की है। तो साथ ही साथ में इसको हलाते रहेंगे कि क्रीम जो है वो हमारी ख़राब ना हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। इसी के साथ हम इसमें दही डाल देंगे। मैंने इसमें 1 कड़छी
एक कड़छी के अकॉर्डिंग दही डाला है। तो अभी हम इसको सॉटे कर देंगे। मीडियम हीट पर ही दही को भी ऐड करना है कि हमारी ग्रेवी है जो फट ना जाए। तो अभी इसको भी हम 1-2 मिनट के लिए ऐसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो अभी हम 2 मिनट हो चुके हैं, अभी हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे। मैंने 1/2 किलो के करीब पनीर लिया है और मेरे लिए ये ग्रेवी इनफ है इस पनीर के लिए। और इसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दूंगी। अगर आपको ग्रेवी थिक या पतली करनी है उसमें आप थोड़ा सा पानी या फिर थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हो इसी में। तो अभी हम इसको 15-20 मिनट ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। अभी इसको मैं कवर कर देती हूँ। 15 मिनट हो चुके हैं, अभी हम अपना शाही पनीर चेक कर लेते हैं। आप सब देख रहे हो कि पनीर की ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, पनीर बनकर रेडी हो चुका है। अभी आप इनको आप सब भी बनाइए इसको घर पर। बहुत इजी है और बहुत सिंपल तरीके से ये रेडी हो जाता है। और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करें कमेंट बॉक्स में, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।